रफ़त की दुनिया में मुश्ताक अहमद यूसफी मरहूम का एक नाम है। मुख्तसर लताइफ़ में उनका कोई सानी नहीं, उनके मुख्तसर लताइफ़ सुनिए और लुत्फ़ उठाइए। अच्छी बीवी वो होती है जो गलती करके शोहर को माफ़ कर देती है। पाकिस्तान में घी के डिब्बे से कार तो निकल सकती है पर असली घी नहीं। आजकल के छोटे बच्चों को कोई भी काम कहो तो आगे से कहते हैं फिर मोबाइल दोगे ना। हम पाकिस्तानी वाहिद कौम हैं जो कहते हैं भाई एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक तो देना। एक नई तहकीक के मुताबिक सुकून सिर्फ उस घर में होता है जहां एक से ज़्यादा चार्जर मौजूद हों। जो बीवी अपने शोहर की सारी गलतियां माफ़ कर देती है वो बीवी सिर्फ ड्रामे की आखिरी किस्त में पाई जाती है। बेशक दुख हालात और ब्यूटी पार्लर इंसान को बदल कर रख देते हैं। शुक्र है शोहर आमतौर पर खूबसूरत होते हैं, वरना सोचें इस महंगाई में दो लोगों का ब्यूटी पार्लर का खर्चा कितना भारी पड़ता। लोग पता नहीं कैसे परफेक्ट लाइफ गुजार लेते हैं। हमारे तो नाश्ते में कभी पराठा पहले ख़त्म हो जाता है और कभी अंडा। शुगर की बीमारी इतनी बढ़ गई है कि लोग मीठा खाना पीना तो क्या मीठा बोलना भी छोड़ गए हैं। अक्सर मियाँ बीवी एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं और सच हमेशा कड़वा होता है। अगर सलाद खाने से वज़न कम होता तो एक भी भैंस मोटी ना होती। हर आदमी इतना बुरा नहीं होता जितना उसकी बीवी उसको समझती है, और इतना अच्छा भी नहीं होता जितना उसकी माँ उसको समझती है। हर औरत इतनी बुरी नहीं होती जितनी पासपोर्ट और शिनाख्ती कार्ड की फ़ोटो में नज़र आती है, और इतनी अच्छी भी नहीं होती जितनी फेसबुक और व्हाट्सएप पर नज़र आती है। आजकल साबुन के इश्तियारात देखकर समझ नहीं आती कि इन्हें खाना है या इनसे नहाना है। दूध बादाम और अंडे से बना बस ज़रा सा लक्स